नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, आपकी मंगल कामना के साथ और आज एक नई कहानी के साथ मैं आपकी हिंदी विषय की हिंदी अध्यापिका आपका हिंदी की ई कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, आज हम मुल्ला का जादू इस कहानी से अवगत होने वाले हैं, तो आइए कहानी की ओर चलते हैं। एक सौदागर, सौदागर मतलब एक व्यापारी, एक सौदागर के यहाँ दावत थी, मतलब पार्टी थी। अब उस सौदागर के यहाँ चांदी का थाल, चांदी की कटोरियाँ और सोने के चम्मच, तरह तरह की मिठाइयाँ और ऐसे ऐसे पकवान या व्यंजन कि जिसका नाम हमने कभी सुना भी ना हो। मुल्ला नसरुद्दीन एक कोने में बैठकर भोजन कर रहे थे। मुल्ला नसरुद्दीन भी इस दावत में शामिल थे और एक जगह बैठकर अपना भोजन कर रहे थे। तभी मुल्ला नसरुद्दीन जी ने क्या देखा कि एक नीली पगड़ी वाला एक मेहमान है, जो कि क्या करता है, सोने का एक चम्मच धीरे से अपनी बाई जेब में सरका लिया, अर्थात उसने सोने का चम्मच चुरा लिया और अपनी बाई जेब में रख दिया। मुल्ला जी ने यह सारा नज़ारा देखा। मुल्ला जी जान गए कि अब मुझे क्या करना है। मुल्ला तुरंत अपनी कुर्सी पर चढ़ गए और ज़ोर से बोले, भाइयों, सभी का ध्यान मुल्ला की ओर गया। उन्होंने सारे मेहमानों को संबोधित करते हुए कहा कि भाइयों, सारे के सारे दावत में आए हुए मेहमान मुल्ला जी की ओर देखने लगे। चीन का जादू अनोखा है, मुल्ला जी कहते हैं। एक बार मैं चीन गया था और थोड़ा बहुत जादू मैंने भी सीखा था। आप सबकी इच्छा हो तो मैं इस भव्य अवसर पर जादू का एक छोटा सा करतब दिखाना चाहता हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो। अब सारे मेहमान कहते हैं, हाँ हाँ दिखाइए, ज़रूर दिखाइए। सब लोग बोल पड़े और उत्साहपूर्वक मुल्ला की ओर देखने लगे कि क्या जादू दिखाते हैं मुल्ला जी। मुल्ला ने एक मेहमान को बुलाकर कहा, एक मेहमान को अपने करीब बुलाते हैं और कहते हैं, आप सोने का एक चम्मच ले आइए, अर्थात सोने का एक चम्मच लेकर आइए और मेरी जेब में डाल दीजिए, आप मेरी किसी भी जेब में डाल दीजिए। उस आदमी ने सोने का एक चम्मच मुल्ला की जेब में डाल दिया। मुल्ला ने उससे कहा, अब आप यहीं खड़े रहिए। फिर मुल्ला आंखें बंद कर उठपटांग बोलने लगे, वही आबरा कटाबरा जो जादूगर बोलते हैं। फिर मुल्ला आंखें बंद करके उठपटांग बोलने लगे और दोनों हाथ इधर उधर उछालने लगे जादूगर की तरह। फिर आंखें खोल कर वे बोले, जादू मंत्र छू मंत्र, हे सोने के चम्मच जाओ हूना, नीली पगड़ी वाले मेहमान की बाई जेब में चले जा। देखिए बच्चों, मुल्ला जी ने जो व्यक्ति दावत में आया था और जिसने सोने का चम्मच चुरा लिया था, अब उसे किस तरह से बिना लड़ाई झगड़ा तमाशा किए बिना चुपचाप निकाल लिया और उनकी दावत भी अच्छी हुई। ऐसी कहा, जादू मंत्र छू मंत्र, नीली पगड़ी वाले मेहमान की बाई जेब में सोने का चम्मच चला जाए। मुल्ला ने अपनी बगल में खड़े उस आदमी से कहा, अब आप जाइए और देखिए उन नीले पगड़ी वाली मेहमान के बाई जेब में सोने का चम्मच पहुंचा है या नहीं। अब तो नीली पगड़ी वाला आदमी भयभीत हो गया कि इस व्यक्ति ने अवश्य देखा होगा कि मैंने सोने का चम्मच लिया। लेकिन फिर भी मुल्ला जी की बुद्धि देखिए, किस तरह से वह चम्मच वापस निकाला। उस आदमी ने नीली पगड़ी वाले मेहमान की बाई जेब में से सोने का चम्मच निकाला
और हाथ ऊपर उठाकर सबको दिखाया। सभी मेहमान जोर से तालियां बजाते हुए बोल उठे, वाह मुल्ला का जादू तो कमाल का है। नीली पगड़ी वाला मेहमान मुल्ला का यह जादू देखते ही रहा। देखिए बच्चों, मुल्ला नसरुद्दीन ने किस तरह से सोने का चम्मच नीली पगड़ी वाले आदमी की जेब से निकाला। तो हमें भी हर क्षण बुद्धि से, समझदारी से कार्य लेना चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी अवश्य समझ में आई। अच्छा, अब मैं आपसे फिर एक नई कहानी के साथ मिलने आती हूँ। धन्यवाद।